हेलो बेटा, बच्चों लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किए थे। अब बेटा हम फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कोई भी सर्किट है हमारे पास, और उस सर्किट में अगर हमें करंट फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे। उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, इसको आप अच्छे से सीख लें क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या है इसमें। आपके सामने एक सर्किट बनाया हुआ है, ए और बी पॉइंट के बीच में तीन रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, आर आर आर। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंसेस कैसे कॉम्बिनेशन में, बच्चों सबसे पहले आपको ये पहचानना है। तो हमें पता है यहाँ पर इस आर का एक हाथ दूसरे आर के एक हाथ से बंधा हुआ है, फिर दूसरे का तीसरे के एक हाथ से बंधा हुआ है। और अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पिंक लाइन को अवॉइड करें और इनके एक एक हाथ फ्री है जो बैटरी के एक एक टर्मिनल से जाके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये आपकी पिंक लाइन से जो हमने ड्रॉ की है ये वायर यहाँ नहीं होती बेटा, अगर इसको हम छुपा दें तो आपके पास यहाँ जो ए और बी टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस आता, क्या वो आर प्लस आर प्लस आर आता? बिल्कुल मैम, तो 3R हो जाता हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन अब हमने क्या किया, एक वायर लेके ये पिंक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है पिंक कलर से, ये एक वायर है बेटा आपकी, और इस वायर को हमने इस वाले रेजिस्टेंस के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होगा, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है आपका आर, ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। अब आपको इसके पीछे की कहानी समझनी है सारी, और अच्छे से समझना बेटा। एक तरह से इस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, इस वायर ने रेजिस्टेंस को बाईपास कर दिया। बाईपास करने का मतलब कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा बेटा, आपने ए और बी पॉइंट के बीच एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है, करंट हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ सर्किट में फ्लो करता है बैटरी के बाहर, ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन होती है। अब करंट मान लीजिए करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब मुझे एक बात बताना, करंट को आगे सामने यहाँ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और एक दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा है जहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, यानी ये जो वायर है बेटा, इस वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, इस वायर का रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, यानी इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 के इक्वल होगा, किसका, वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो इस वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, 0 है, तो करंट को तो आसानी रहेगी, जहां उसका अपोज कम हो तो वो सारा का सारा करंट इसमें चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बेटा, इसमें चला जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारी रेवाड़ी सिटी है, ये अब इसके अंदर बहुत सारे आपके रास्ते होते हैं जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए। अब मान लीजिए ये एक रोड थी और इस रोड को ऐसे सिटी के बाहर से घुमा के ऐसे आपने बाईपास कर दिया एक रोड, तो आपने शहर को क्या कर दिया, बाईपास। तो जो हैवी व्हीकल होंगे बेटा, वो हैवी व्हीकल क्या यहाँ से शहर के अंदर जाने की बजाय क्या इस रोड से जाएंगे, क्योंकि ये शहर के बाहर बाहर है, ये खाली मिलेगा उनको, तो उन्होंने क्या कर दिया, सिटी को बाईपास कर दिया। ठीक है, तो ये होता है बेटा बाईपास, और इस वायर ने इस रेजिस्टेंस को बाईपास किया है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, ये आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है मान लो, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मान लो ये आपकी एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट ये चला चला, तो रेजिस्टेंस के इस एंड पे पोटेंशियल लो होगा, लो पोटेंशियल, और रेजिस्टेंस के इस एंड पर
हाई पोटेंशियल, तो रेजिस्टेंस में से करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चला जाएगा, ठीक है भाई, चला जाएगा। लेकिन अगर किसी रेजिस्टेंस को सेम पोटेंशियल मिल जाए उसके दोनों एंड के अक्रॉस, यानी कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, तो करंट मूव करेगा ही नहीं बेटा, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट आता है फ्लो ऑफ चार्ज से। किससे आता है? फ्लो ऑफ चार्ज से, और चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। सेम पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो चार्ज फ्लो नहीं करता बेटा, तो यहाँ पे करंट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये टर्मिनल ऐसे चलता है, कैपेसिटर में पढ़ाया था ना हमने, सीरीज पैरेलल पढ़े थे, टर्मिनल को पॉइंट के थ्रू हमने ले जाके देखा था किसको पोटेंशियल कैसा मिल रहा है। तो ये बी पॉइंट अगर ऐसे चलता है तो इसको भी बी पॉइंट मिला, और ये बी पॉइंट ऐसे चला तो यहाँ भी बी पॉइंट आया। तो बेटा इस आर के अक्रॉस तो दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो गया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो ये रेजिस्टेंस आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो कोई करंट नहीं जा पाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है आपका, यहाँ रेजिस्टेंस आर, यहाँ रेजिस्टेंस जीरो, और दोनों कैसे हैं? पैरेलल में है। कैसे है बच्चों? पैरेलल में है। पैरेलल में क्या करोगे? पैरेलल में आपको ऐड करना आता है 1/R = R net निकालना चाह रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस R, फिर प्लस 1/ दूसरा रेजिस्टेंस 0। यहाँ से बेटा इसको सोल्व करोगे आप तो आप ये आपका R × 0 और ये टर्म आपकी 0 बनेगी, तो यहाँ से R net हमारा क्या आ जाता है? 0, ठीक है बेटा। तो ये आपको करके देखने की भी जरूरत नहीं है बेटा, आपको ये कॉन्सेप्ट आपका ये है कि ये रेजिस्टेंस क्यों वर्क नहीं कर रहा है, और याद रखने के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी कैपेसिटर या किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऐसे वायर लगा दी जाए तो वो रेजिस्टेंस और वो कैपेसिटर बाईपास हो जाता है, ठीक है बेटा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझ लें, ओके। आगे देखिए बच्चों, अब हमने कुछ सर्किट ड्रॉ किए हैं जिनमें हम करंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? करंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हमें। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, आपको लग रहा होगा मैम इतना सिंपल सर्किट क्यों करा रही है, लेकिन बेटा हमें सीखना है और हम सिंपल सबसे बेसिक चीज से ही सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास गिवन एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और उसके अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई है, एक सेल लगी हुई है 6 वोल्ट की, और यहाँ पर हमें इस सर्किट में करंट बताना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। मैंने ऑलरेडी बना रखी है लेकिन अब आपको सीखनी है कि डायरेक्शन कैसे होगी। बच्चों आपको पता है कि बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलता है तो ये करंट ऐसे चलेगा, ठीक है, और बैटरी के नेगेटिव में एंटर करता है ऐसे। लेकिन बेटा ये जो डायरेक्शन है करंट की, ये डायरेक्शन इस सेल या बैटरी के बाहर होती है, तो बैटरी के बाहर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, लेकिन बैटरी या सेल के अंदर करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चलेगा। और जब हम सेल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो ये बातें आपके काम आएंगी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलो बेटा अब आप यहाँ पे जो V=IR अपना फॉर्मूला यूज करते हो, ओम्स लॉ जो आप यूज करते हो, वो फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हो, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी मेथड है, इस मेथड से आपके लिए आगे के सर्किट बहुत इजी हो जाएंगे। तो आपको कैसे समझना है वो देखिए बेटा, जब भी हमारे पास ऐसे सेल या सर्किट में ऐसे रेजिस्टेंसेस लगे हों बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सहूलियत के लिए या इजी मेथड के लिए जो सेल है उसके नेगेटिव टर्मिनल को जीरो वोल्ट पे मानना है। मैंने कहीं भी वोल्ट नहीं लिखा है, और ब्रैकेट के अंदर मैं पोटेंशियल दिखा रही हूँ, तो मैंने नेगेटिव टर्मिनल को जीरो माना,
जीरो वोल्ट पे, ठीक है। तो बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इस सेल का जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है, यानी ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। अगर लो 0 है तो हाई 6 वोल्ट पे होगा, तो ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है 6 वोल्ट, ठीक है। तो बेटा नेगेटिव टर्मिनल 0 पे माना, तो पॉजिटिव हमारा 6 वोल्ट पे होगा। तो क्या इस वायर का हर पॉइंट 6 वोल्ट पे होगा? बिल्कुल। तो ये 6 वोल्ट यहाँ चला, मिल गया हमें, ये 0 वोल्ट यहाँ चला, मिल गया हमें। तो 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, वो 6 वोल्ट और 0 वोल्ट यानी कि 6 वोल्ट का होगा। और बेटा ये जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हो I इक्वल टू वी बाई आर, तो बेटा ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस R है, ठीक है। इस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया 6 वोल्ट का, तो बेटा वो हो गया 6 और R की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 3, तो हमारा करंट आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया बेटा? 2 एम्पियर, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी बेटा, करंट की डायरेक्शन वो क्या होगी बेटा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि 6 वोल्ट टू 0 वोल्ट, ठीक है बेटा। ये हमारे करंट की डायरेक्शन होगी और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। कर सकते हो बेटा। आगे एक एग्जाम्पल और देखिए, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। अब देखो बेटा, पहले हमने एक सेल यूज की, अब हमने दो सेल ले ली। रेजिस्टेंस 6 ओम का है और हमारे पास एक सेल 10 वोल्ट की है और दूसरी 2 वोल्ट की है। तो बेटा ये बड़ी है, सॉरी ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे ही नहीं कौन बड़ी है कौन छोटी है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक आपकी बाद में आएगी। पहले जो मेथड आपने सीखा है आप उसी को अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने एक बैटरी को देखते हुए आपको उसके नेगेटिव टर्मिनल को 0 मान लेना है। अब बाय चांस या हमारी अच्छी किस्मत से दोनों सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ है, तो इसको 0 मानना, तो ये वाला भी 0 पे जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, तो ये वाला लो पोटेंशियल 0 पे और इनका डिफरेंस हो गया 10, तो हाई वाला कितने पे जाएगा बेटा? 10 पे, ठीक है। इस वाले के हिसाब से देखिए बेटा, इसका नेगेटिव 0 पे, डिफरेंस 2 वोल्ट का, तो ये वाला ज्यादा होगा 2 वोल्ट, तो 0 में 2 ऐड कर दो तो ये कितना आ गया? 2, बोलो बेटा, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस जो है 6 ओम का है और उसका ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है, तो बताइए बेटा करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो इसका ये हाई पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल और ये इसका लो पोटेंशियल। तो बैटरी के बाहर करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन अब दो दो बैटरी है तो किसको देखें? तो आप अपने रेजिस्टेंस को देखें, तो उसके अक्रॉस कैसे करंट जाएगा, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ये आपका करंट की डायरेक्शन तो मिल गई, ठीक है। अब करंट ऐसे चलेगा पूरे सर्किट में, क्योंकि एक ही ब्रांच है हमारे पास। तो बच्चों बताओ करंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई इक्वल टू वी बाई आर, वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस आर, इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 2 यानी कि 8 और रेजिस्टेंस हो गया 6, ये आ गया आपका 4/3 एम्पियर। तो आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और डायरेक्शन भी बता दी। तो डायरेक्शन हो गई 10 वोल्ट टू 2 वोल्ट, ये हमारे करंट की डायरेक्शन आ गई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए, इसी सर्किट को ऐसे दिखा दिया, क्या किया भाई, 10 वोल्ट की बैटरी तो वैसे ही लगी हुई है जैसे पहले लगी हुई थी, लेकिन 2 वोल्ट की बैटरी में कुछ हेर फेर कर दिया। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या किया, बैटरी 10 वोल्ट के हिसाब से नेगेटिव टर्मिनल को 0 मान लिया, ठीक है। तो इसको 0 माना, तो ये कितना हुआ? ये 10 हुआ,
तो ये 10 हुआ, तो ये कितना हुआ, ये भी 10 हुआ। चलो इसका हाई टर्मिनल, जो हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल है वो 0 पे है बेटा, और लो वाला 2 कम होगा, तो 0 में 2 कम कर दो तो -2 आ गया बेटा। तो ये आपका हाई पोटेंशियल और ये आपका लो पोटेंशियल, तो करंट की डायरेक्शन क्या ऐसे होगी, यस मैम ऐसे होगी। तो इस तरह से आपका सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आई इक्वल टू वी बाई आर। चलो भाई वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, हाई में से लो घटा दो, हाई कितना है 10, लो घटा दो, लो कितना है -2, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 6, तो बताओ बेटा 10, ये माइनस माइनस +2, तो ये हो गया 12/6, तो ये आ गया मेरे पास 2 एम्पियर। और डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन हो गई मेरी 10 वोल्ट टू -2 वोल्ट। बोलो बेटा निकाल सकते हो, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ आपको, यहाँ पे ट्रिक क्या है बच्चों, अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ध्यान से देखो, थोड़ी देर के लिए इस वाली सेल को भूल जाओ, ये एक लगी हुई है, तो ये अपने पॉजिटिव से, इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ से भेजेगी बिल्कुल, तो क्या ये 6 ओम के अक्रॉस डाउनवर्ड करंट भेजेगी, कौन 2 वोल्ट की डाउनवर्ड, ठीक है। अब इस वाली को भूल जाओ, अपने ऊपर वाली को, किस वाली को भूल जाए, इस ऊपर वाली को भूल जाओ आप, ठीक है इसको भूल जाओ, तो क्या 10 वोल्ट की 6 ओम के अक्रॉस इस पॉजिटिव से करंट क्या ऐसे अपवर्ड भेजेगी। अब दोनों ही एक दूसरे का क्या कर रही है, अपोज कर रही है, क्या कर रही है बेटा, अपोज कर रही है। तो बेटा चलती किसकी है, बड़ी वाली की, किसकी चलती है, बड़ी वाली की, लेकिन जितना इससे हो पाएगा उतना ये अपोज तो करेगी, तो नेट इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, 10-2 यानी कि 8 वोल्ट। और बेटा सिंबल कौन सा यूज होगा बैटरी का, जो बड़ी वाली है यानी कि ये वाली, तो सिंबल ये यूज होगा, इन दोनों की जगह हम एक बैटरी यूज कर सकते हैं 6 ओम के अक्रॉस, और वो कैसी हो जाएगी, वो मान लीजिए ये था आपका 6 ओम, ठीक है ये 6 ओम, और अब इन दोनों की जगह एक बैटरी लगानी है, तो 6 ओम के अक्रॉस इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव मिल रहा था, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये हो गई आपकी 8 वोल्ट की, ठीक है। तो चली किसकी, बड़ी वाली बैटरी की, बड़ी वाली बैटरी ने अपनी चलाई, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद एक आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा क्या करना है। यहाँ पर हमें करना ये है, करंट फाइंड आउट करना है सभी आर्म में गिवन सर्किट की। तो सर्किट आपके पास है बेटा, ये सर्किट है, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट की ये सेल लगी हुई है, 10 वोल्ट की ये लगी हुई है, 5 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये हमारी बड़ी वाली सेल थी, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे, तो हमने इसके नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसके नेगेटिव को हमने 0 मान लिया, तो ये 0 यहाँ से चला यहाँ पहुंचा 0, इधर चला यहाँ पहुंचा 0, ठीक है, और आगे ये जा नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया इधर और सेल आ गई इधर, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए, इस वाली सेल के बड़े वाले यानी पॉजिटिव टर्मिनल को आपने 0 से रिप्रेजेंट किया है, तो क्या नेगेटिव वाला 4 कम होगा, तो 0 में से 4 कम, तो क्या ये -4 पे होगा, यस मैम बिल्कुल ओके। इस वाली सेल के नेगेटिव को 0 लिया है, तो पॉजिटिव वाला क्या 10 ज्यादा होगा, तो ये हो गया 10 वोल्ट, ओके बेटा ठीक है मैम। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल कैसे निकाल सकते हो, देखो इस आर्म का करंट मैं यही निकालूंगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अच्छा ये इसका हाई पोटेंशियल ये लो, तो इसमें क्या करंट ऐसे जाएगा, बिल्कुल डायरेक्शन तो हमें मिल गई। अब इसका करंट भी देख लीजिए बेटा, करंट अक्रॉस 5 ओम, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, तो 10-0, तो 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर, तो यहाँ पे चला गया 2 एम्पियर करंट,
कितना चला गया? 2 एम्पियर करंट। ठीक है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है ना। आगे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या ये हाई पोटेंशियल, क्या ये लो पोटेंशियल? बिल्कुल। तो करंट की डायरेक्शन तो हमें मिल गई। यस मैम, मिल गई। तो क्या यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट क्या आई अक्रॉस 2 ओम हम लिख रहे हैं, तो क्या वो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल -4 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम, तो क्या ये 10 + 4 14/2 यानी कि 7 एम्पियर होगा? बिल्कुल। तो ये आ गया 7 एम्पियर। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो इस टर्मिनल से ये करंट इधर चला गया, ये करंट इधर चला गया, तो ये घूमता हुआ ऐसे आएगा, आएगा आएगा यहाँ पर पहुंचेगा, ये वाला घूमते हुए यहाँ आएगा, आएगा यहाँ पहुंचेगा। अब दोनों मिलके किस में चले जाएंगे? यहाँ चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? इसमें। तो 7 एम्पियर यहाँ से आया और 2 एम्पियर यहाँ से आया, तो इसमें कितना चला गया? इसमें चला गया 9 एम्पियर। बोलो बेटा, एक सर्किट के किसी एक पॉइंट से 2 ब्रांचेस में करंट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है तीसरी में से आ रहा होगा, तो 9 एम्पियर करंट इसमें एंटर हो रहा है और 7 इसमें चला गया और 2 एम्पियर इसमें चला गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा बेटा इस मेथड से। अब ये आपका टास्क है, देखिए बहुत ही आसान है। इसमें आपको हर आर्म में करंट बताना है, तो आप अपनी मर्जी से चाहे इसको मान लीजिए, माना यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ 0 मानेंगे तो बैटरी का ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये 0 है तो ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो ये कितने पे जाएगा बेटा? ये 10 पे जाएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव 10 पे है तो नेगेटिव, अब डिफरेंस है 4 वोल्ट का, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 6, तो ये हो गया 6 पे। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए ये 0 पे है बेटा, तो इधर भी 0 चलेगा। बिल्कुल मैम, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, अगर नेगेटिव 0 पे है तो पॉजिटिव कितना होगा? 2 ज्यादा पे होगा, ये होगा। ऐसे ये 0 इधर चला बेटा, तो ये 0 यहाँ आ गया। अब आप इसमें निकाल सकते हैं करंट, आप इसमें निकाल सकते हैं करंट। ठीक है, फिर आप डायरेक्शन बता के इसमें बता सकते हैं करंट कैसे होगा। तो बेटा ये आपका होमवर्क है। ओके बच्चों।